हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले लेयर्स कमांड। लेयर्स का भी इस्तेमाल होता है। समझो दो चार लाइंस कुछ बना है, कुछ इस लाइन का सेंटर लाइन में अगर रूपांतर करना है तो ये लाइन सिलेक्ट किया, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में लाइन टाइप कंट्रोल में गए, यहाँ पर सेंटर लाइन नहीं दिख रही तो अदर ऑप्शन लिया। यहाँ पर लाइन टाइप मैनेजर का डायलॉग बॉक्स खुलता है, यहाँ से लोड बटन पर क्लिक किया। ऑटोकैड वाले ने कुछ डिफॉल्ट लाइन टाइप्स तैयार करके रखे हुए हैं, उसमें से सेंटर लाइन टाइप सिलेक्ट कर लिया। अब ये लाइन सिलेक्ट किया, यहाँ पर लाइन टाइप कंट्रोल, यहाँ पर लाइन टाइप कंट्रोल में से सेंटर ऑप्शन लिया, तो इस लाइन का रूपांतर सेंटर लाइन में किया जा सकता है। इसका भी गैप कम ज्यादा करना है तो राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ पर लाइन टाइप स्केल कम ज्यादा करो, एक एक का 4-5 कुछ तो भी कर दिया, तो इनके बीच का गैप एडजस्ट किया जा सकता है। वैसा इंडिविजुअल आप लाइन टाइप आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वैसा ही हिडन लाइन का रूपांतर करना है तो यहाँ पर लाइन टाइप कंट्रोल में गए, अदर ऑप्शन दिया, सेम प्रोसेस, यहाँ से हिडन लाइन टाइप सिलेक्ट कर लिया। लाइन टाइप कंट्रोल में से हिडन ऑप्शन दिया, गैप कम ज्यादा करना है तो ये लाइन सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ पर स्केल लाइन टाइप स्केल कम ज्यादा कर लिया। दो चार लाइंस का रूपांतर करना है तो किया जा सकता है, लेकिन 40-50 लाइंस का रूपांतर एक साथ में सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है तो हर एक लाइन सिलेक्ट करो, उसके प्रॉपर्टीज में जाओ, उसका लाइन टाइप चेंज करो, वो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ऐसे में उन सभी लाइंस का एक लेयर बना के रखा जाता है, तो सिर्फ उस लेयर का प्रॉपर्टी चेंज किया चेंज करते तो सभी लाइंस का रूपांतर हम डायरेक्टली सेंटर लाइन में कर सकते हैं। वैसे ही हिडन लाइन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, उससे हमारा काफी समय बच सकता है। लेयर को हम कलर वगैरह भी दे सकते हैं ताकि पहचानने में भी आसानी होती है, सेंटर लाइन कौन सी है, हिडन लाइन कौन सी है, वो पहचानने में आसानी होती है और दिखने में भी वो अच्छा दिखता है। इसके लिए लेयर्स इस्तेमाल होता है। मैकेनिकल में देखा जाए तो सेंटर लाइन के लिए एक लेयर, हिडन लाइन के लिए एक लेयर, प्रोजेक्शन के लिए एक लेयर, डायमेंशन के लिए एक लेयर, टेक्स्ट के लिए एक लेयर, हर एक के लिए अलग लेयर आप सेट कर सकते हो। ये सिविल या आर्किटेक्चर में देखने जाएंगे तो उनमें प्लान्स रहते हैं, एक ही प्लान में इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर, पाइपिंग, डायमेंशंस या फिर और भी कुछ प्लान्स रहेंगे। प्लान्स अगर रहते हैं, फर्नीचर हो गया या फिर या फ्लोरिंग वगैरह हो गया, तो एक ही प्लान में अगर बिठाने जाएंगे तो वो काफी कंजेस्टेड हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसे में हर एक के लिए अलग लेयर बना के रखा जाता है तो हमारा काम आसान होता है। जब इलेक्ट्रिकल का काम करना रहेगा तो इलेक्ट्रिकल के लेयर ऑन रखे, तो काम पूरा किया, प्रिंट लिया, लेयर ऑफ कर दिया, तो प्लान खाली हो जाता है। जब फर्नीचर का काम करना रहेगा तो फर्नीचर का लेयर ऑन रखे, काम पूरा किया, प्रिंट लिया, वो लेयर ऑफ कर दिया, तो इस तरह एक ही प्लान में हम सभी डायग्राम बिठा सकते हैं। उससे हमारा टाइम स्पेस का काफी स्पेस का और टाइम का काफी बचत हो सकता है। अभी तक जो भी ड्राइंग बनाए वो काफी छोटे थे, लेकिन जब भी बड़े बड़े ड्राइंग रहते हैं तो जितना ज्यादा लेयर्स आप इस्तेमाल करोगे उतना आपका समय बचता है और काम करना आसान हो जाता है। बहुत बार हम ड्राइंग को डायमेंशन देते हैं, डायमेंशन अगर प्रिंट में नहीं आना चाहिए ऐसा लगता है तो हमको डायमेंशन डिलीट करने पड़ते थे और बाद में प्रिंट लेना पड़ता था, वापस लगा कि डायमेंशन रहने चाहिए, तो ऐसे में हमको वापस डायमेंशन देते बैठना पड़ता था। अगर लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ वो डायमेंशन का लेयर ऑफ कर दिया तो डायमेंशन हमको नहीं दिखाई देते हैं और बाद में हम उसका प्रिंट ले सकते हैं। वापस लगा कि डायमेंशन दिखना चाहिए तो डायमेंशन का लेयर ऑन कर लिया तो वापस सभी डायमेंशन हमको दिखाई दे सकते हैं। इस तरह से दो चार फंक्शन इस्तेमाल करके ही हम हमारा काम कर सकते हैं। जब भी बड़े ड्राइंग रहते हैं तो जितना ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल करोगे उतना काम आपका आसान जाएगा। लेयर्स अगर लेना है तो यहाँ पर होम टैब में
लेयर्स में लेयर प्रॉपर्टीज पर क्लिक किया, या फिर फॉर्मेट मेनू में से लेयर्स कमांड लिया, या फिर उसका शॉर्टकट की आता है एलए करके, तो एलए टाइप कर लिया तो लेयर्स यहाँ पर लिया जा सकता है। तो लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जो लेयर करंट रहता है उसका नाम सबसे ऊपर रहता है। यहाँ पर नया लेयर ऑटोकैड का बाय डिफॉल्ट 0, ये एक ही लेयर रहता है, और लेयर ऐड करना है तो यहाँ पर न्यू लेयर पर क्लिक किया तो नया लेयर यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, शॉर्टकट की ऑल्ट है तो यहाँ पर नया लेयर यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। अगला बटन आता है न्यू लेयर वीपी फ्रोजन इन ऑल व्यूपोर्ट्स, इस पर क्लिक किया तो नया लेयर यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, मतलब वो नए व्यूपोर्ट में फ्रीज रहता है। इसका मतलब क्या है कि उस लेयर के ऑब्जेक्ट हमको मॉडल में दिखाई देते हैं, लेकिन लेआउट लेआउट पर क्लिक करते हो तो उस लेयर के ऑब्जेक्ट नए व्यूपोर्ट में फ्रीज हो जाते हैं, मतलब लेआउट में वो नहीं दिखेंगे, मॉडल में दिख जाएंगे लेकिन लेआउट में नहीं दिखेंगे। इसका इस्तेमाल कभी किया जा सकता है, समझो मॉडल से प्रिंट लिया तो मॉडल के प्रिंट में वो उस लेयर के ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, लेकिन लेआउट से प्रिंट लिया तो लेआउट के प्रिंट में वो नहीं आते हैं, बाकी सेम है प्रोसेस। कोई लेयर डिलीट करना रहेगा, कोई लेयर ज्यादा हुआ है ऐसा लगता है तो वो लेयर डिलीट किया जा सकता है, समझो लेयर 6 सिलेक्ट किया, यहाँ पर डिलीट लेयर लिया, इसका शॉर्टकट की ऑल्ट डी आता है तो वो लेयर डिलीट किया जा सकता है। कोई लेयर अगर करंट करना रहेगा तो वो लेयर सिलेक्ट किया, यहाँ पर सेट करंट लिया तो वो लेयर करंट किया जा सकता है, शॉर्टकट की ऑल्ट से। तो अभी लेयर 3 करंट है और उसका नाम सबसे ऊपर दिखाया जाता है। अगला आता है स्टेटस, स्टेटस में जिस लेयर के पहले बराबर का साइन आता है वो लेयर करंट रहता है और उसका नाम सबसे ऊपर आता है। अगला आता है नेम, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, मुझे उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो लेयर किस चीज के लिए इस्तेमाल हो सकती है, इसके लिए हर लेयर को प्रॉपर नेमिंग रखना आवश्यक है। उसका नाम बदलना है तो वो लेयर सिलेक्ट किया और सिंगल क्लिक किया तो उसका नाम बदला जा सकता है, यहाँ पर समझो सेंटर लाइन करके नाम देके रखा। बाद में सिर्फ नाम सेंटर लाइन देके फायदा नहीं है, वैसा लाइन टाइप भी आपको सेंटर लाइन रखना पड़ता है, उसके लिए यहाँ पर लाइन टाइप पर क्लिक किया, सिलेक्ट लाइन टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पर पहले से सेंटर लाइन टाइप लोड करके रखी हुई है इसके लिए वो सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर यहाँ पर इस बॉक्स में नहीं दिख रही तो यहाँ पर लोड बटन पर क्लिक करके आपको लोड करना पड़ेगा। यहाँ पर सेंटर लाइन सिलेक्ट किया, हर लेयर को सेपरेट कलर दिया तो बेहतर है ताकि पहचानने में आसानी होती है, समझो यहाँ पर रेड कलर सेट कर लिया। यहाँ पर अगला लेयर आता है हिडन का, ये लेयर सिलेक्ट किया और सिंगल क्लिक किया तो इसका नाम बदला जा सकता है, यहाँ पर हिडन लाइन सेट कर लिया। इसका भी लाइन टाइप कौन सा हिडन रखना है तो हिडन सेट कर लिया, और इसको कलर अलग सेट कर लिया। बाद में डायमेंशन, इसको भी कलर सेट कर लिया, समझो ग्रीन कलर सेट किया, ये भी लाइन टाइप कंटिन्यूस ही रखा। बाद में प्रोजेक्शन का एक लेयर बना लिया, सिंगल क्लिक किया तो उसका नाम बदला जा सकता है। इसको भी कलर अलग सेट किया। प्रोजेक्शंस का जो लाइंस रहता है उसका इस्तेमाल फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन साइड में या फिर टॉप में लेने के लिए होता है, एज अ रेफरेंस वो रहता है, इसके लिए इसका ट्रांसपेरेंसी मैक्सिमम रखा जाता है, 0 रहेगा तो टोटल डार्क में दिखता है, 90 रहेगा तो एकदम फ्रंट में दिखाया जाता है, समझो 80-90 रखा प्रोजेक्शन। बाद में अगला आता है हैचिंग का, यहाँ पर ये लेयर सेलेक्ट किया और इसका अगर सिंगल क्लिक करके नाम बदलना जम रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो लेयर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने पर भी काफी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, इसमें से रिनेम लेयर लिया तो इसका नाम बदला जा सकता है, समझो यहाँ पर हैचिंग करके नाम क्लिक किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर रिनेम ले लिया, यहाँ पर हैच करके नाम देखें। लेयर
इसको भी कलर अलग देख रखा, समझो मैगेंटा कलर वगैरह सेट कर दिया। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जीरो रहना चाहिए, सिर्फ प्रोजेक्शन के लिए ट्रांसपेरेंसी सेट किया जाता है, नहीं तो बाकी का डार्क नहीं रहता है। वैसा और जैसा लेयर चाहिए वैसा ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर न्यू लेयर पर क्लिक किया, अभी जो लेयर करंट रहेगा उसके हिसाब से अगला लेयर आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पर न्यू लेयर सेलेक्ट किया तो ये हैच का जैसा प्रॉपर्टी था उसके हिसाब से ही नया लेयर तैयार हुआ है। जो लेयर करंट रहता है उसके हिसाब से कलर वगैरह वही कलर यहाँ पर सेट होता है। यहाँ पर टेक्स्ट के लिए एक लेयर बना के रखा, उसको अलग कलर दे के रखा। ये ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ब्लू कलर प्रॉपरली दिखेगा नहीं दिखेगा उसके हिसाब से आपको ब्लू कलर सेट करना पड़ता है। बाद में और जैसा चाहिए वैसा लेयर्स आप ऐड कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो यही सिलेक्ट किया और डिलीट किया। राइट क्लिक करने पर कुछ ऑप्शन आता है क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर डिलीट लेयर लिया जा सकता है तो वो लेयर डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर भी ये नेम नेम के हिसाब से सॉर्ट करना है तो ये नेम पर क्लिक किया तो नेम के हिसाब से ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सेट कर सकते हो, सेंटर लाइन डिसेंडिंग। वो हेडिंग के ऊपर क्लिक करने पर उसके हिसाब से वो सॉर्ट किया जा सकता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में। अगला आता है ऑन या ऑफ। कोई लेयर अगर ऑन रहती है तो ये बल्ब जो है वो ब्राइट में दिखता है, मतलब उस लेयर के ऑब्जेक्ट ड्राइंग में भी दिखेंगे और प्रिंट भी होंगे। वही लेयर अगर ऑफ की जाती है, समझो ये सेंटर लाइन का लेयर ऑफ कर दिया तो ये बल्ब डिम हो जाता है, मतलब उस लेयर के ऑब्जेक्ट ड्राइंग में भी नहीं दिखते हैं और प्रिंट भी नहीं होते हैं। वैसा ही फ्रीज और थॉ का है। कोई लेयर अगर थॉ रहती है तो यहाँ पर ये जो सूरज है वो ब्राइट में दिखता है, मतलब उस लेयर के ऑब्जेक्ट ड्राइंग में भी दिखते हैं और प्रिंट भी होते हैं। वही लेयर अगर फ्रीज की जाती है तो यहाँ पर फूल का सिंबल आ जाता है, मतलब उस लेयर के ऑब्जेक्ट ड्राइंग में भी नहीं दिखेंगे और प्रिंट भी नहीं होंगे। दोनों में फर्क इतना ही है कि जब भी बॉर्डर ड्राइंग रहते हैं तो वो फास्ट अपडेट होना है, तो ऐसे में ऑन ऑफ करने की जगह फ्रीज और थॉ किया जाता है, ताकि फ्रीज किए हुए ऑब्जेक्ट का जो लेयर है वो अपडेशन में भाग नहीं लेता है, इसलिए इसके लिए वो ड्राइंग फास्ट अपडेट हो जाता है। तो बड़े ड्राइंग रहेंगे तो ऐसे में वो ड्राइंग अगर फास्ट अपडेट होना चाहिए ऐसा आपको लगता है तो यहाँ पर फ्रीज और थॉ ज्यादातर किए जाते हैं। अगला आता है लॉक कप। कोई लेयर अगर ड्राइंग बना के पूरा हो गया ऐसा आपको लगता है और गलती से वो ड्राइंग डिलीट या मॉडिफाई नहीं करना चाहिए किसी ने, ऐसा अगर आपको लगता है तो वो लेयर लॉक की जा सकती है। समझो यहाँ पर लॉक बटन पर क्लिक किया तो वो लेयर जीरो लेयर अभी लॉक हो चुकी है, मतलब उस लेयर के ऑब्जेक्ट ड्राइंग में भी नहीं दिखेंगे, आप सॉरी वो उस लेयर के ऑब्जेक्ट मॉडिफाई या डिलीट आप नहीं कर सकते हो, स्क्रीन पर दिख जाएंगे लेकिन मॉडिफाई या डिलीट नहीं किए जाएंगे। ड्राइंग पूरा हुआ है ऐसा लगता है और गलती से किसी ने आपकी तरफ से या फिर कोई दूसरा दूसरे किसी ने ड्राइंग ओपन करके देखा उसके पास से वो ड्राइंग डिलीट या मॉडिफाई नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है तो आप उस लेयर को लॉक करके रख सकते हो। अगला आता है कलर। हर लेयर के लिए सेपरेट कलर देख के रखा तो पहचानने में आसानी होती है, मतलब दूर से भी पहचाना जा सकता है कि सेंटर लाइन अगर रेड कलर दिखा तो वो सेंटर लाइन ही है, ग्रीन कलर दिखा तो डायमेंशन है, हिडन लाइन लिया तो वो येलो कलर में आएगी, वो कलर से ही आप पहचान सकते हो और दिखने में भी वो रंग अच्छा दिखता है। अगला आता है लाइन टाइप। ज्यादातर सेंटर लाइन और हिडन लाइन के लिए लाइन टाइप अलग रखा जाता है, बाकी के लिए कंटिन्यूअस ही लिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल में फैंटम लाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है,
या फिर पाइपिंग के लिए कुछ अलग लाइन टाइप रखने हो तो रखे जा सकते हैं, नहीं तो ज्यादातर कंटिन्यूस ही लिया जाता है। ये भी शॉर्ट करना है प्रॉपरली, तो यहाँ पर लाइन टाइप पर क्लिक किया तो ये शॉर्ट किया जा सकता है। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये हेडिंग पर क्लिक करके आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप सेट कर सकते हो। बाद में लाइन को थिकनेस वगैरह देना है तो लाइन वेट द्वारा थिकनेस यहाँ पर सेट किया जा सकता है। समझो ये 0 लेयर को लाइन वेट वगैरह सेट करना है, तो लाइन वेट का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। इसको थिकनेस कितना देना है, समझो 0.5 का थिकनेस देना है, तो 0.5 का थिकनेस यहाँ पर सेट किया जा सकता है। लेकिन थिकनेस के हिसाब से दिखना चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मेट में लाइन वेट में डिस्प्ले लाइन वेट ऑप्शन चालू रहना आवश्यक है, तो ही लाइन वेट के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं। अगला आता है ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी में 0 रहेगा तो टोटल डार्क में दिखता है, 80 रहेगा तो एकदम, 90 रहेगा तो एकदम फेंट में दिखाई देता है। समझो यहाँ पर ये कौन सा चाहिए वो यहाँ पर सेट किया जा सकता है, 80 90 कितना चाहिए वो सेट किया जा सकता है। अगर बीच का वैल्यू चाहिए तो वो आपको टाइप करना पड़ेगा, समझो 72 चाहिए तो 72 आपको टाइप करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से दिखना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का बटन यहाँ पर स्टेटस बार में ऐड रहना चाहिए। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का बटन ऐड रहना चाहिए, और ये बटन भी ऑन रहना आवश्यक है, तो ही ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अगला आता है प्लॉट स्टाइल। प्लॉट स्टाइल मतलब क्या, कि ड्राइंग दिखते वक्त एक कलर में लेकिन प्रिंट होते दूसरे कलर में प्रिंट लेना है, तो प्लॉट स्टाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर प्लॉट स्टाइल सेट नहीं की है, नहीं की हुई है, तो लेयर का जो कलर रहेगा उसी कलर में वो प्रिंट हो जाएंगे। अगला आता है प्लॉट। ड्राइंग दिखते वक्त स्क्रीन पर दिखना चाहिए लेकिन प्रिंट में नहीं आना चाहिए, ऐसा लगता है तो प्लॉट ऑफ करके रखा जा सकता है। समझो डायमेंशन स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए लेकिन प्रिंट में नहीं आना चाहिए, ऐसा लगता है तो यहाँ पर ये जो तीसरा लेयर है वो प्लॉट ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर रेड डॉट का सिंबल आता है, मतलब वो उस लेयर के ऑब्जेक्ट ड्राइंग में प्रिंट नहीं होंगे। अगला आता है न्यू वीपी फ्रीज। नए रिपोर्ट में वो ड्राइंग के ऑब्जेक्ट फ्रीज होने चाहिए, ऐसा लगता है तो यहाँ पर न्यू वीपी फ्रीज किया जा सकता है। मतलब उस लेयर के ऑब्जेक्ट मॉडल में दिखाई देते हैं लेकिन लेआउट में नहीं दिखाई देंगे। इसका फायदा ये है, आप सॉरी, मॉडल में दिखाई देते हैं लेकिन लेआउट में वो नहीं दिखाई देते हैं। उसका फायदा ये है कि अगर मॉडल से प्रिंट लिया तो मॉडल के प्रिंट में आते हैं, लेकिन लेआउट से प्रिंट लिया तो वो लेआउट के प्रिंट में वो नहीं आएंगे। लेयर के बारे में कुछ जानकारी देना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया जा सकता है। अगर 40-50 लेयर्स बना के रखा है तो आप कितने भी लेयर्स आप इधर बना सकते हो, 40-50 कितने भी लेयर बना सकते हो, लेकिन 150-200 लेयर बना के रखा रहेगा तो वो भी हैंडल करना काफी कठिन हो सकता है। तो ऐसे में कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, ऐसे संख्या में आपको लेयर्स बनाने पड़ते हैं। अगर कोई लेयर अगर सर्च करना रहेगा तो यहाँ पर सर्च फॉर लेयर में जाके उसका नाम वगैरह टाइप करके आप उस लेयर को सर्च कर सकते हो। सर्च फॉर लेयर में जाके कुछ लेयर्स का ग्रुप बना के रखना है तो वैसा यहाँ पर न्यू ग्रुप फिल्टर पर क्लिक करके ग्रुप बनाया जा सकता है। समझो इलेक्ट्रिकल का लेयर का ग्रुप बनाना है। यहाँ पर फेस का एक लेयर बनाया, न्यूट्रल का एक लेयर बनाया। अभी जो लेयर करंट है उसके हिसाब से यहाँ पर कलर आपको दिखाई देता है, फेज न्यूट्रल अर्थिंग। फर्नीचर का लेयर का ग्रुप बनाना है तो यहाँ पर फर्नीचर का ग्रुप बना लिया। यहाँ पर चेयर के लिए एक लेयर बनाया, टेबल के लिए एक लेयर बनाएं। तो वैसा इलेक्ट्रिकल के लिए एक ग्रुप, फर्नीचर का लेयर का एक ग्रुप,
पाइपिंग का कोई ग्रुप बनाना है तो यहाँ पर न्यू ग्रुप फिल्टर है, और यहाँ पर पाइपिंग के लिए एक ग्रुप बना कर रखा है। यहाँ पर समझो ड्रेनेज के लिए एक लेयर बनाया। बाद में ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक लेयर बनाया। तो वैसा ग्रुप आप बना सकते हो। यहाँ पर ऑल सिलेक्ट किया तो सभी लेयर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। ग्रुप बनाने से क्या होता है कि समझो यहाँ पर ऑल ऑल यहाँ पर सिलेक्टेड रहता है तो सभी लेयर्स दिखाई देंगे। इलेक्ट्रिकल का ग्रुप सिलेक्ट किया तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लेयर आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर लेयर कंट्रोल में भी यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल का ही लेयर आपको दिखाई देता है, अर्थिंग है, और जो लेयर करंट रहेगा वही लेयर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पर ऑल सिलेक्ट किया तो सभी लेयर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। समझो जो ज्यादा हुए वो लेयर डिलीट कर लिया, समझो चेयर जो नहीं चाहिए वो डिलीट कर लिया चेयर। बाद में ड्रेनेज, ड्रिंकिंग, अर्थिंग, न्यूट्रल, फेस, टेबल, ये लेयर डिलीट कर लिया। ये ग्रुप भी समझो यहाँ पर नहीं चाहिए तो वो डिलीट कर लिया। एक से ज्यादा सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस करके रखा। वही यहाँ पर लेयर्स प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर लेयर सेट करना है तो यहाँ पर न्यू प्रॉपर्टी फिल्टर लिया। तो वैसा प्रॉपर्टी के हिसाब से भी आप ग्रुप वगैरह बना सकते हो। यहाँ पर सिर्फ मैगेंटा कलर का एक प्रॉपर्टी फिल्टर रखना है तो यहाँ पर मैजेंटा वगैरह सेट करिए। यहाँ पर कलर कलर सेट किया, यहाँ पर मैजेंटा कलर सेट किया। तो सिर्फ मैजेंटा का जो कलर है उसके हिसाब से ही वही लेयर्स आपको दिखाई देते हैं। बाद में ये लेयर सिर्फ इसी फाइल में मौजूद रहते हैं। अगला आता है लेयर स्टेटस मैनेजर। कोई भी लेयर सिर्फ इसी फाइल तक सीमित रहते हैं। समझो यहाँ पर ये क्लोज किया, अभी नया फाइल लेते हैं तो उधर वो लेयर हमको नहीं मिलते हैं क्योंकि वो लेयर्स का अस्तित्व जो रहता है वो सिर्फ उसी फाइल तक सीमित रहता है। दूसरे फाइल में भी वही लेयर्स अगर आपको इस्तेमाल करना है तो उस लेयर का एक स्टेटस आपको पहला बनाना पड़ेगा। उसके लिए लेयर स्टेटस मैनेजर में गए, शॉर्टकट की ऑल्ट एस आता है। यहाँ पर नया स्टेटस बनाना है तो न्यू पर क्लिक किया तो नया स्टेटस यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसको क्या नाम दिया, समझो S1 करके नाम दिया। ये आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक किया। कहाँ पर सेव करना है समझो माई डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है। कौन से नाम से सेव करना है समझो S1 नाम से सेव करना है, तो वैसा सेव कर लिया और यहाँ पर क्लोज ऑप्शन दिया। अभी यहाँ पर ये क्लोज कर लिया। अभी ड्राइंग टू में गए, यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टीज में गए तो वो लेयर से यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। वो अगर लाना है तो यहाँ पर लेयर स्टेटस मैनेजर पर क्लिक किया, यहाँ पर इंपोर्ट बटन पर क्लिक किया। यहाँ पर माय डॉक्यूमेंट्स में गए, उसका एक्सटेंशन जो है वो .ls रहता है, वो सिलेक्ट किया। यहाँ पर S1 नाम का फाइल सिलेक्ट किया, इसको ओपन कर लिया, रिस्टोर स्टेटस लिया। तो वही लेयर्स आपको यहाँ पर आप ला सकते हो। सिर्फ आपको लाइन टाइप, आपको लाइन टाइप कॉपी नहीं होता है, वो आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। अगर पिछले फाइल मतलब सभी ड्राइंग में एक सरीकापन आपको अगर रखना है तो वैसा लेयर स्टेटस का लेयर स्टेटस बना के आप रख सकते हो ताकि सभी ड्राइंग में एक सरीकापन आप लेयर्स का रख सकते हो। नहीं तो यहाँ पर हर एक के लिए हर लेयर आपको बनाते बैठना पड़ेगा और उसका प्रॉपर्टीज आपको याद रखते बैठना पड़ेगा कि सेंटर लाइन है इसका कलर रेड है और इसका लाइन टाइप सेंटर लाइन है। लाइन वेट जो भी है 0.5 वगैरह जो भी रखा हुआ है वो आपको याद रखते बैठना पड़ेगा
और उसका वैसा हर एक लेयर आपको बनाते बैठना पड़ेगा, उसमें आपका काफी समय जा सकता है। अगर कंटिन्यूअसली काम करते रहना है तो वैसा एक स्टेटस बना के रखा तो आप सभी ड्राइंग में वैसा ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो। यहाँ पर ड्राइंग वन में गए, यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टीज में गए, समझो यहाँ पर ये लॉक फ्रीज और ये फ्रीज और ऑफ वो निकाल लिया। हाँ ये प्लॉट ऑफ भी निकल लिया और ये न्यू वीपी फ्रीज भी निकल लिया, ग्रिड चाहिए तो ऑफ कर लिया। अभी यहाँ पर सामने जो लेयर दिखती है वो लेयर करंट रहती है, अभी जो भी ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे वो उस लेयर पर तैयार होते जाएगा। अगर लेयर चेंज करनी है तो यहाँ पर लेयर कंट्रोल में गए, यहाँ से आप लेयर चेंज कर सकते हो। अभी जीरो जीरो लेयर सामने है तो वो लेयर करंट रहेगी और जो भी ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा वो जीरो लेयर पर तैयार होते जाएगा। यहाँ पर वैसा जो लेयर समझो यहाँ पर डायमेंशन का लेयर ऑन रखना, लेयर्स का पूरा फायदा उठाने के लिए प्रॉपर्टीज में सभी ऑप्शंस बाय लेयर पर रहना आवश्यक है। तो जैसा लेयर चेंज करोगे वैसा उस लेयर में जो प्रॉपर्टी सेट किया हुआ है उसके हिसाब से लेयर तैयार होते जाएगा या फिर ऑब्जेक्ट तैयार होते जाएगा। यहाँ पर सेंटर लाइन लिया तो यहाँ पर डायरेक्टली लाइन वेट भी सेट हुआ है और लाइन टाइप भी अलग सेट आ जाता है। यहाँ पर थिकनेस के हिसाब से दिखना चाहिए, तो यहाँ पर फॉर्मेट में लाइन वेट में डिस्प्ले लाइन वेट चालू रहना आवश्यक है, तो ये थिकनेस के हिसाब से दिखाई देता है। अगर नहीं चाहिए सेंटर लाइन, नॉर्मल लाइन चाहिए तो यहाँ पर लाइन वेट जो है वो डिफॉल्ट सेट कर लिया। ये डिफॉल्ट का वैल्यू कितना रहेगा इसलिए फॉर्मेट में लाइन वेट में यहाँ पर डिफॉल्ट का वैल्यू 0.25 mm है। जो लेयर सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से यहाँ पर लाइन तैयार होते जाता है। इसका भी कुछ ट्रांसपेरेंसी वगैरह सेट किया हो तो चेक करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी सेट किया हो इसके लिए वो एकदम फेडिंग दिखाई देता है, वापस इसको जीरो सेट कर लिया तो ये पूरा डार्क में दिखता है। इनके बीच का गैप कम ज्यादा करना है तो यहाँ पर इंडिविजुअल कम ज्यादा करने से अच्छा है कि लाइन टाइप स्केल से आप सबका साइज एक साथ कम ज्यादा कर सकते हो, शॉर्टकट की LTS, तो एक का 5 10 कुछ तो भी कर लिया तो सभी का साइज एक साथ कम ज्यादा किया जा सकता है। प्रोजेक्शन वगैरह बनाना तो प्रोजेक्शन का लेयर यहाँ पर बना लिया। प्रोजेक्शन जो रहता है वो उसका इस्तेमाल फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन साइड में या फिर टॉप में लेने के लिए किया जाता है, एज अ रेफरेंस लाइन वो रहता है, इसके लिए उसका ट्रांसपेरेंसी मैक्सिमम रखा जाता है। 0 रहेगा तो टोटल डार्क में दिखता है, 90 रहेगा तो एकदम फ्रंट में दिखाई देता है। टेक्स का लेयर यहाँ पर ऑन रखना समझो यहाँ पर, और एक दो ऑब्जेक्ट बना लिया। टेक्स्ट का लेयर समझिए यहाँ पर ब्लू कलर में है, तो ये ब्लू कलर में यहाँ पर दिखाई देता है। इस तरह से यहाँ पर इसका लाइन टाइप मुझे चेंज करने का जरूरत नहीं है, जैसा लेयर का प्रॉपर्टी रहेगा उसके हिसाब से वो ऑब्जेक्ट तैयार होता जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे लेयर पर ट्रांसफर करना है, समझो इसको मुझे सेंटर लाइन पर ट्रांसफर करना है, तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया यहाँ पर लेयर कंट्रोल में से, यहाँ पर सेंटर लाइन सिलेक्ट किया तो इस ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर लाइन पर ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का लेयर यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। अगला आता है यहाँ पर लेयर ऑफ, कोई लेयर ऑफ करनी है तो मतलब दिखाई नहीं देनी चाहिए ऐसा लगता है तो वो लेयर ऑफ की जा सकती है। यहाँ पर ऑफ कमांड लिया, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द लेयर टू बी टर्न ऑफ, समझो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट जिस लेयर पर रहेगा वो लेयर ऑफ की जाती है। अभी ये ऑब्जेक्ट हिडन हिडन लाइन के लेयर पर था तो इसके लिए वो लेयर ऑफ की गई हुई है।
वापस सभी लेयर्स ऑन कर लिया तो ट्रंस ऑल लेयर्स ऑन लिया तो सभी लेयर्स यहाँ पर ऑन किए जाएंगे। अगला आता है आइसोलेट, मतलब किसी लेयर का ऑब्जेक्ट ही दिखना चाहिए, बाकी के लेयर्स एक तो ऑफ या फिर लॉक करके रखने चाहिए ऐसा लगता है, तो यहाँ पर आइसोलेट लिया जा सकता है। आइसोलेट लिया, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द लेयर टू बी आइसोलेटेड, कौन सा लेयर का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो कि जिस लेयर को आपको आइसोलेट करना है, समझो यहाँ पर ये हिडन लाइन सिलेक्ट किया, तो हिडन लाइन छोड़ के बाकी के लेयर्स एक तो लॉक रहेंगे या फिर ऑफ हो जाएंगे। यहाँ पर लेयर कंट्रोल में चेक किया तो पता चलेगा कि हिडन लाइन छोड़ के बाकी सभी लेयर्स यहाँ पर लॉक किए हुए हैं, मतलब बाकी लेयर्स यहाँ पर आपको मॉडिफाई या डिलीट आप नहीं कर सकते हैं। अगला आता है ये अगर इफेक्ट निकालना है तो अनआइसोलेट लिया तो सभी लेयर्स यहाँ पर अनआइसोलेट हो जाएंगे, अभी कोई भी लॉक नहीं रहेगा, जैसा ऑन ऑफ है वैसा ही फ्रीज ऑफ हो गया, कोई लेयर फ्रीज करनी है फ्रीज सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये सेंटर लाइन सिलेक्ट किया तो सेंटर लाइन का लेयर यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा, तो उस लेयर को आप जब ड्राइंग में भी नहीं दिखेंगे और प्रिंट भी होंगे, प्रिंट भी नहीं होंगे, तो यहाँ पर फुल का सिंबल यहाँ पर आ जाता है। वापस सभी लेयर्स ऑन थॉ करने हैं तो थॉ लेयर्स लिया तो सभी लेयर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, कोई लेयर लॉक करके रखना है तो यहाँ पर लॉक लिया, यहाँ पर समझो ये जीरो लेयर का ऑब्जेक्ट बना के पूरा हुआ है ऐसा लगता है, तो वो लेयर लॉक की जा सकती है, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो वो लेयर लॉक हो जाएगी, तो लॉक लेयर के ऑब्जेक्ट मॉडिफाई या डिलीट नहीं होते हैं। यहाँ पर अनलॉक लिया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट जिस लेयर पर रहेगा वो लेयर अनलॉक की जा सकती है। यहाँ पर अगला आता है मेक करंट, कोई भी लेयर करंट करनी रहेगी समझो, यहाँ पर ये हिडन लाइन करंट करना है तो यहाँ पर मेक करंट लेयर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट जिस लेयर पर रहेगा वो करंट हो जाती है। नहीं तो मुझे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का लेयर मुझे पहला फाइंड करना पड़ता था और लेयर कंट्रोल में जाके वो मुझे सेट करना पड़ता था, इससे अच्छा कि मेक करंट में जाके डायरेक्टली वो लेयर करंट की जा सकती है, या फिर यहाँ पर मेक करंट लिया ये जीरो लेयर सिलेक्ट किया, यहाँ पर मेक करंट लिया ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट जिस लेयर पर रहेगा वो करंट हो जाती है, जो लेयर करंट रहती है उसके ऊपर ही आगे वाले ऑब्जेक्ट यहाँ पर तैयार होते जाते हैं, यहाँ पर सर्कल बनाओ या फिर रेक्टेंगल बनाओ वो करंट लेयर के हिसाब से वो तैयार होते जाएंगे। अगर मुझे इसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट सेट करना है तो पहला मुझे इस ऑब्जेक्ट का लेयर मुझे फाइंड करना पड़ेगा और बाद में वो लेयर ये ऑब्जेक्ट मुझे उस लेयर पर जाकर सेट करना पड़ेगा, या फिर दूसरा रास्ता है कि मैच लेयर लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू बी चेंज पूछता है कौन सा ऑब्जेक्ट चेंज करना है, ये ऑब्जेक्ट चेंज करना है एंटर दिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द डेस्टिनेशन लेयर किसके हिसाब से चेंज करना है, इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है, तो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है, या फिर दूसरा रास्ता कि ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो यहाँ पर लेयर कंट्रोल में से वो लेयर सिलेक्ट करो तो ये ऑब्जेक्ट उस लेयर पर जाकर सेट की जा सकती है। लेयर्स का पूरा फायदा उठाने के लिए यहाँ पर सभी ऑप्शन बायलेयर पर रहना आवश्यक है, लेयर्स में इतना ही था। अभी कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट अगला आता है प्रॉपर्टीज और मैच प्रॉपर्टीज, किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी चेंज करना है तो यहाँ पर मॉडिफाई मेनू में से यहाँ पर प्रॉपर्टीज कमांड लिया, या फिर प्रॉपर्टीज पैनल में से बॉटम राइट के एरो पर क्लिक किया तो प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए पूछता है, समझ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लिया और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो इसका प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिखाई दिया जाता है, कलर कौन सा है बायलेयर पर है, प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट की पी आ रहता है,
कलर कौन सा है, बायलेयर पर है, लेयर सेंटर लाइन है, लाइन टाइप बायलेयर पर है, लाइन टाइप स्केल एक है, लाइन वेट बायलेयर पर है, ट्रांसपेरेंसी बायलेयर है, थिकनेस 0 है, मटेरियल बायलेयर पर है। सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाई नहीं दिया जाता, वो चेंज भी किया जा सकता है। समझो इस यहाँ पर कलर लेयर आपको चेंज करना है, तो सेंट्रल लाइन की जगह हिडन लाइन सेट करना है, तो यहाँ पर हिडन लाइन सिलेक्ट किया, तो इधर से भी आप उसका लेयर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर उसके लिए प्रॉपर्टीज कमांड इस्तेमाल होता है। किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी अगर दूसरे को देना है तो मैच प्रॉपर्टीज आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर्टीज में से यहाँ पर मैच प्रॉपर्टीज लिया, सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट के लिए समूह, यहाँ पर ये सोर्स ऑब्जेक्ट लिया, डेस्टिनेशन के लिए ये डेस्टिनेशन लिया, तो इसका प्रॉपर्टी यहाँ पर दिया जा सकता है या फिर इसको भी दिया जा सकता है, या फिर मेन बात से जाना है तो मॉडिफाई में से मैच प्रॉपर्टीज लिया जा सकता है, प्रॉपर्टीज और मैच प्रॉपर्टीज। नहीं तो मुझे पहला इस ऑब्जेक्ट का लेयर ढूंढना पड़ता था, कलर ढूंढना पड़ता था, कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट, बाद में मटेरियल, वो मुझे चेक करना पड़ता था, और एक एक करके इस ऑब्जेक्ट को वो वैसा प्रॉपर्टीज हम मुझे सेट करना पड़ता था, उसमें मुझे काफी समय जा सकता था। इससे अच्छा है कि डायरेक्टली इसका प्रॉपर्टी मैं इसको दे सकता हूँ शॉर्टकट की MA, मॉडिफाई में से मैच प्रॉपर्टीज दिया, या फिर यहाँ पर मैच प्रॉपर्टीज का बटन आता है, ये सेंटर लाइन सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, तो इसका प्रॉपर्टी में इसको दे सकता हूँ। इसके हिसाब से आपको पहला वाला ड्राइंग आपको पहला बनाना है, ये समझो, इसको पेन करता हूँ। यहाँ पर ये वाला ड्राइंग आपको लेयर का इस्तेमाल करके बनाना है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर लाइन है, हिडन लाइन है, डायमेंशन है, प्रोजेक्शन भी आपको लेने पड़ेंगे, और नॉर्मल स्केच है। ये फ्रंट व्यू दिया हुआ है, ये टॉप व्यू दिया हुआ है। अभी यहाँ पर ये लेयर का डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट किया, अगर ये लेयर प्रॉपर दिख नहीं रहे तो ये पैनल जो है वो आप बाहर ड्रैग कर सकते हो, तो ये लेयर का पैनल बाहर रखा जा सकता है, टूल बार जैसा ही है। यहाँ पर जो लेयर करंट रहेगी वो सामने रहे सामने दिखाई देती है। यहाँ पर पहला फ्रंट व्यू बना लेते हैं, या फिर टॉप व्यू बना लो, कोई भी बना लो। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ पर हाइट कितना दिया हुआ है, 50 का दिया हुआ है, 50 टाइप किया, विड्थ यहाँ पर 100 का दिया हुआ है, ये इधर नहीं समझेगा तो ये टॉप व्यू में समझ में आ सकता है कि लेंथ यहाँ पर 100 का है, हाइट यहाँ पर 12 का दिया हुआ है, विड्थ यहाँ पर 100 में से 12 गया, 88, हाइट यहाँ पर 50 में से 12 गया तो 38 रह जाता है, विड्थ यहाँ पर 12 का सेट किया। या फिर लेयर्स का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर लेयर का टूल बार भी ला सकते हो, टूल्स में जाके, टूल बार्स में जाके, ऑटोकैड में जाके, यहाँ से लेयर्स का टूल बार लाया जा सकता है, तो इधर से भी आप लेयर कंट्रोल कर सकते हो, इधर से भी आप लेयर कंट्रोल किया जा सकता है। बाद में यहाँ पर 26 का लाइन बनाना है, यहाँ पर लाइन कमांड लिया, अभी मुझे एक तो ऑफसेट दे दो, या फिर पहला 26 का रेफरेंस लाइन मुझे बनाना पड़ेगा, ये 26 का रेफरेंस लाइन बनाए, यहाँ पर ये विड्थ कितना है वो पता नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ पर ये टॉप व्यू में पता चलेगा, 12, 24 और 12 मतलब 48 हो जाता है, यहाँ पर 48 टाइप कर लिया, डेप्थ कितने का रखना है वो डेप्थ यहाँ पर सेट कर लिया, कितने का है 26 का रखना है तो 26 टाइप किया। यहाँ पर अभी आर्क बनाना है तो यहाँ पर आर्क कमांड लिया, यहाँ पर आर्क का गारंटी नहीं है तो आर्क बाद में ही बनाते हैं,
यहाँ पर इसको कॉर्नर को जोड़ने वाला लाइन यहाँ पर बनाते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स लेके और ये कॉर्नर पॉइंट्स लेके, तो इनको जोड़ने वाला लाइन यहाँ पर बनाया जा सकता है। इसका प्रोजेक्शन अगर नीचे लेना है तो यहाँ पर प्रोजेक्शन का लेयर ऑन रखा, फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन टॉप व्यू में लेना है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन लिए जाते हैं, शॉर्टकट की एक्सेल, यहाँ पर वर्टिकल ऑप्शन लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, जिधर जिधर पॉइंट मिल रहे उधर क्लिक किया, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी उसका कितना रखा हुआ है वो चेक करना पड़ेगा, और ट्रांसपेरेंट चाहिए तो 80 का 90 किया जा सकता है, तो वो थोड़ा और पेंट में दिखाई देती है, नहीं तो ये सफिशियंट है तो ठीक है। अभी इसके हिसाब से मुझे टॉप व्यू बनाना है, ये पैन करना है तो यहाँ पर पी एंटर लिया तो ये इस ड्राइंग को पैन किया जा सकता है। अभी यहाँ पर टॉप व्यू बनाना है तो यहाँ पर जीरो लेयर ऑन रखा, लाइन कमांड लिया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ से 100 का लाइन बना लिया, हाइट कितने का रखना है 50 का रखना है तो 50 टाइप किया, विड्थ कितने का रखना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर का सिंबल दिखाया जाता है तभी क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर डिस्टेंस देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही एरिया जूम करना है तो ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर टॉप पर क्लिक किया तो उतना ही एरिया जूम करके दिखाया जाता है। सिलेक्शन से बाहर निकलना है तो स्किप किया, यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन बनाना है तो यहाँ पर रेफरेंस लाइन बनाए हुआ है उसके हिसाब से आप लाइन बना सकते हो। यहाँ से भी 50 में से ये 12 गया तो 38 रहता है, ये 38 बना लिया, विड्थ यहाँ पर 12 का बना लिया, हाइट यहाँ पर कितने का है 50 में से 12 और 10 22 गया तो 28 रहता है, यहाँ पर हाइट यहाँ पर 28 का सेट किया, विड्थ यहाँ पर कितने का है 24 का बनाना है तो 24 टाइप कर लिया, डेप्थ यहाँ पर कितने का रखना है समझो 50 में से 10 और 12 22 गया तो 28 हो जाता है, 50 में से 22 गया तो 28 रहता है, और ये जब भी परपेंडिकुलर का सिंबल दिखाया जाता है तभी क्लिक करना पड़ेगा। ये भी अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कमांड लेके ज्वाइन किया जा सकता है, ये लाइन सेलेक्ट किया और ये लाइन सेलेक्ट किया तो इनको ज्वाइन किया जा सकता है, एक सिलेक्ट करने पर दूसरा अगर जा रहा है तो शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन आप रख सकते हो, एंटर लिया तो ये ज्वाइन किया जाएगा। यहाँ पर भी ये डिस्टेंस 20 का है और ये डिस्टेंस 20 का है, मतलब ये फिलेट 20 का हो जाएगा, यहाँ पर फिलेट कमांड लिया, रेडियस यहाँ पर 20 का सेट कर लिया, ये लाइन लिया और ये लाइन लिया तो यहाँ पर 20 का प्लेट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर भी सर्कल वगैरह बनाना है तो सर्कल कमांड लिया, कर्सर इस आर्क पर लेकर गए तो यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट मिल जाता है, यहाँ पर डायमीटर जो है वो 15 का सेट कर लिया, यहाँ पर भी सेंटर लाइन वगैरह बनाना है तो यहाँ पर सेंटर लाइन सिलेक्ट किया, सेंटर लाइन का लेयर ऑन रखा, ये पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ से सेंटर लाइन बनी, ये लाइन आगे बढ़ानी है तो एक्सटेंड कमांड लिया तो ये आगे एक्सटेंड की जा सकती है, वैसे ही राइट में भी सेंटर लाइन बनाई जा सकती है। ये लाइन आगे बढ़ानी है तो ये डबल एंटर लिया तो ये आगे एक्सटेंड की जा सकती है। इसका प्रोजेक्शन अगर ऊपर लेना है तो यहाँ पर प्रोजेक्शन का लेयर ऑन रखना, यहाँ पर 10 का ऑफसेट लेके रखो या फिर 10 का रेफरेंस लाइन बनाओ,
यहाँ पर ऑफसेट लिया समझो 10 का, ये इधर सेट कर लिया, लेकिन आगे वाला लाइन यहाँ पर ट्रिम करना पड़ेगा। यार डबल एंटर लिया तो ये लाइन ट्रिम किया, ये लाइन ट्रिम किया, ये लाइन ट्रिम करना पड़ेगा, ऐसा भी करो। पेज तैयार होने से मतलब है पांच ड्राइंग आपको बनाना है। यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन अगर ऊपर लेना है तो यहाँ पर वापस प्रोजेक्शन का लेयर ऑन रखा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन लिया शॉर्टकट की एक्सेल, यहाँ पर वर्टिकल ऑप्शन लिया, इसमें भी जो कैपिटल में दिया रहता है वही टाइप किया तो भी कंप्यूटर को समझता है कि कौन सा ऑप्शन लेना है। वर्टिकल के लिए वर्टिकल लिया, ये कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया, इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट किया, इसका कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट किया, ये सर्कल के भी क्वाड्रेंट पॉइंट सिलेक्ट किया, सेंटर लाइन सिलेक्ट किया, तो इसका प्रोजेक्शन ऊपर लिया जा सकता है। यहाँ पर भी ये सेंटर लाइन अगर बनानी है तो यहाँ पर सेंटर लाइन का लेयर ऑन रखा और यहाँ पर सीधा लाइन बना लिया। कहाँ से चालू हो रहा है? ये बाहर से थोड़ा चालू हो रहा है। इसका प्रोजेक्शन, इसके प्रोजेक्शन के हिसाब से यहाँ पर ड्राइंग बनाना है तो यहाँ पर जीरो लेयर ऑन रखा, यहाँ पर आर्क कमांड लिया, आर्क एंटी क्लॉकवाइज तैयार होती है, स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट लिया, अभी क्या दिया हुआ है सेंटर पॉइंट दिया है तो सेंटर पॉइंट के लिए ये सेंटर पॉइंट लिया और एंड पॉइंट के लिए ये एंड पॉइंट लिया, तो वैसा आर्क बनाया जा सकता है। सेंटर लाइन का लेयर यहाँ पर ऑन रखा, यहाँ पर लाइन कमांड लिया, यहाँ से सेंटर लाइन यहाँ पर बना लिया। अभी डायमेंशन देना है तो यहाँ पर डायमेंशन का लेयर ऑन रखा, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देना है तो लीनियर का इस्तेमाल किया जा सकता है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, स्पेस बार दिया, लास्ट कमांड वापस चालू हो जाएगा, स्पेस बार ये एंटर दिया, लास्ट कमांड वापस चालू हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ज्यादातर जिधर डायमेंशन है उधर देख के रखा ताकि कौन सा रह गया वो समझ में आ सकता है, शॉर्टकट की DLI आ जाएगा। स्पेस बार दिया, लास्ट कमांड वापस चालू होता है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, इसको रेडियस वगैरह देना है तो यहाँ पर डायमीटर कमांड दिया, साइज कम ज्यादा करना है तो एनोटेशन में डायमेंशन स्टाइल में गए शॉर्टकट की T, तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर मॉडिफाई बटन पर क्लिक किया और यहाँ से फिट में जाके ओवरऑल स्केल बढ़ा लिया, 1 का 10 20 कुछ तो भी कर लिया, ज्यादा 0 निकल लेना है तो प्राइम मिनट्स में ट्रेलिंग ऑन रखा, क्लोज ऑप्शन, ये थोड़ा और बढ़ाना है तो वापस स्पेस बार या एंटर दे दो, लास्ट कमांड वापस चालू हो जाएगा, यहाँ पर फिट में जाके ओवरऑल स्केल बढ़ा लिया, 10 का 20 कर लिया, इसका साइज बड़ा छोटा किया जा सकता है। तो ग्रिप के सहारे ये डायमेंशन ट्रैक किया जा सकता है। यहाँ पर लीनियर कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट अभी इसे करते हैं, पॉइंट क्लिक करने में किधर तो गलत हुआ था, ये पॉइंट्स लिखे और बीच में ट्रैक कर लिया, जितना डायमेंशन है जिधर है उधर देख के रखना, इस तरह से बाकी के डायमेंशन आपको देने हैं। यहाँ पर हिडन लाइन वगैरह बनाना है तो यहाँ पर सेंटर लाइन यहाँ पर बना गया, सेंटर लाइन का लेयर ऑन रखा और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना गया, अभी हिडन लाइन बनाना तो हिडन लाइन का लेयर ऑन रखा, यहाँ पर लाइन कमांड लेके इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट इनके बीच में लाइन बना लिया, वापस
इंटर लिया, लास्ट कमांड वापस चालू हो जाएगा, एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट। इसका डायमेंशन देना है तो यहाँ पर लीनियर कमांड, डायमेंशन तो हो गया, ये हिडन लाइन सेंटर लाइन। अभी एक तो ये प्रोजेक्शन लाइन का जरूरत नहीं, तो ये प्रोजेक्शन का लेयर ऑफ रखा जा सकता है, तो ये बाकी के लेयर्स हमको प्रॉपरली दिख सकते हैं। या फिर दूसरा रास्ता है कि प्रोजेक्शन का लेयर ऑन कर लिया, इसका ट्रांसपेरेंसी और बढ़ा लो चाहिए, तो 80 का 90 कर लो, तो ये एकदम पेंट में दिखाई देता है। तो वैसा आपको रेफरेंस के लिए वो रहेगा, कैसा प्रोजेक्शन लिया हुआ है। नहीं तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाया जा सकता है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना कर रखा है, यहाँ पर ट्रिम कमांड लिया, कटिंग एज के लिए ये रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, और ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर ट्रिम किया। ये डायमेंशन अगर मूव हो चुका है तो इसको एडजस्ट करना है, तो इसका ग्रिप सिलेक्ट किया और ट्रैक करके इस कॉर्नर पॉइंट पर लाके रखा, तो वो डायमेंशन एडजस्ट किया जा सकता है। इसको भी नाम वगैरह देना है, तो टेक्स्ट का लेयर ऑन रखा, यहाँ पर नाम दे के रखा, सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड लिया, शॉर्टकट की DT, स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट लिया। एफेट ऑन रहता है तो हाइट यहाँ पर रफली पता चल सकती है, अभी कितना का तैयार हो रहा है, 10 का तैयार हो रहा है, तो 10 टाइप कर लिया। स्ट्रेट लाइन में तैयार होना है तो रोटेशन एंगल 0 लिया, यहाँ पर फ्रंट व्यू टाइप कर लिया। नीचे यहाँ पर टॉप व्यू टाइप कर लिया, तो वैसा नाम आप यहाँ पर दे सकते हो। वैसा जितना ज्यादा लेयर्स इस्तेमाल करोगे उतना आपका ड्राइंग बनाने में आसान होता जाएगा, मतलब अगर जरूरत नहीं तो वो लेयर ऑफ रखी जा सकती है। ये हो गया लेयर्स और प्रॉपर्टीज और मैच प्रॉपर्टीज।